नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ झटपट तैयार होने वाला ब्रेकफास्ट, जिसको हम ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं और स्नैक्स भी बोल सकते हैं। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए और हमें समझ ना आ रहा हो हम क्या बनाएं, तो जितनी देर में हमारी चाय बनकर रेडी होगी उतनी देर में ये टोस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। और इन टोस्टी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं है। ये वही बेसिक से सामान है जो हमारी किचन में आसानी से मिल जाते हैं। घर में छोटे बच्चे होंगे तो ब्रेड तो होगा ही, और प्याज धनिया मिर्ची ये हर किसी की किचन में मिल जाते हैं। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ फटाफट तैयार होने वाली टोस्टी। ये क्रिस्पी और करारी टोस्टी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मात्र 10 मिनट लगते हैं बनाने में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने क्या नॉर्मल से मसाले लिए हैं। यहाँ पर मैंने ली है ब्राउन ब्रेड, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और ब्रेड को मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं, एक ब्रेड को 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। और इस टोस्टी को बनाने के लिए हमें इनकी किनारी निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इनको इस तरह से एक ब्रेड को 4 पीसेस में कट करके रख लिया है। यहाँ पर ली है मैंने सूजी, किसी भी तरह का बेसन वगैरह नहीं है, ये ओनली सूजी है। और सूजी में मिक्स करूँगी मैं दही, एक कटोरी सूजी और एक कटोरी दही मैंने ले रखा है। ये अच्छा खट्टा दही है इसलिए हमें ना तो नींबू डालने की ज़रूरत है ना ही अमचूर पाउडर। मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है और यहाँ पर लिया है मैंने प्याज। प्याज में थोड़ा ज़्यादा सा डालूँगी क्योंकि जब ये फ्राई होंगे तो प्याज का अच्छा सा टेस्ट आएगा। और मैंने लिया है थोड़ा सा हींग, हींग का फ्लेवर भी इस तरह के टोस्ट में बहुत अच्छा आता है। जिसको हमें डीप फ्राई करना हो उसमें अगर हम हींग डालें तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने लिए है 1 इंच अदरक, अदरक को मैंने महीन महीन कट कर लिया है। और ली है 3 से 4 हरी मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार। बाकी मैंने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, मैं इसमें किसी तरह का बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालूंगी और ये झटपट इसी तरह से तैयार हो जाता है। तो चलिए हम अपनी फटाफट रेडी होने वाली टोस्टी का बैटर तैयार करते हैं। मैंने ये बड़ा सा बाउल लिया है, इस बाउल में मैं सूजी डालूंगी। सूजी महीन हो मोटी वाली हो कोई भी हो चलेगी। और इसको मैंने पहले से ही छान लिया था। और इसी में मैं ऐड करने वाली हूँ दही, ये थोड़ा सा खट्टा दही है। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे ताकि ये सूजी थोड़ी सी अच्छे से दही और प्याज हरी मिर्ची वगैरह में मिक्स हो जाए। इसी में मैं डालने वाली हूँ प्याज, हरा धनिया। आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दी हरी मिर्ची, अदरक, थोड़ी सी हींग और नमक स्वाद के अनुसार। अब इस सबको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छे से, जैसे हम पकौड़ी का घोल बनाते हैं ना, उस तरह का मैं घोल बनाने वाली हूँ। लीजिए मैंने अपनी सूजी का इस तरह से घोल तैयार कर लिया। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, इस तरह से इसमें थिकनेस है। इसको मैं जितनी देर में चाय बनाऊँगी बस उतनी देर ढककर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अगर बाद में देखेंगे सूजी ने ज़्यादा पानी सोख कर लिया तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी। तो चलिए इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और तब तक हम बना लेते हैं अपनी चाय। लीजिए जब तक हमारी सूजी ने रेस्ट किया तब तक हमारी चाय बनकर भी रेडी हो गई है। तो अब हम फटाफट टोस्टी को फ्राई करना शुरू करते हैं।
चाय को एक साइड में रख देंगे और उसके बाद हम अपनी टोस्टी फ्राई करेंगे। लीजिए, हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें अपनी टोस्टी फ्राई करेंगे। मैं ब्रेड के स्लाइस को लेकर इस तरह से अपने बैटर में डालूंगी और आंच को हम थोड़ा सा धीमा कर देंगे। हमने तेल को गरम कर लिया है, उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ले आएंगे ताकि ये एकदम से तेल में जाते ही जले नहीं। और इनको हमें इस तरह से और जब भी हम इन स्लाइस को इस तरह से कोट करके सूजी में कढ़ाई में डालें तो तुरंत हमें कलछी नहीं लगानी है इसमें। अगर हम तुरंत कलछी लगा देंगे तो इसके ऊपर जो सूजी की कोटिंग है वो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ बिखर जाएगी। और सूजी को हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है, थिक बैटर होगा तो वो ब्रेड पर बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा दोनों साइड से। और जब ये हमारी एक साइड बहुत अच्छे से ब्राउन कलर की सिक जाएंगी फिर हम इनको धीरे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सारी जो हमारी ये टोस्टी है उनको हम पलट कर दूसरी साइड भी इतना ही ब्राउन होने तक सेक। इस तरह से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम मीडियम आंच पर ही सेकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हाई फ्लेम पर हम इसको सेकेंगे तो ये थोड़े से जल जाएंगे और उतना टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये अंदर ब्रेड है और सूजी है, दोनों ही हल्की आंच पर सिकने वाली चीज़ें हैं। तो इनको हम इसी तरह से क्रिस्पी और करारी होने तक सेक लेंगे। लीजिए, चाय के साथ सर्व करने को हमारी ये टोस्टी एकदम रेडी हो गई है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल कर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये फटाफट रेडी होने वाला स्नैक्स है। इसे खाकर मेहमान भी खुश कि हमें कुछ अच्छा खिला दिया, और हम भी खुश, समय कम लगा और सामग्री भी बहुत कम लगी। तो चलिए हम इनको निकाल लेते हैं। लीजिए, बनकर रेडी हो गए हैं हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी और करारे स्नैक्स, टोस्टी और साथ में चाय भी। अगर आपको मेरे ये फटाफट रेडी होने वाले टोस्टी पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम ये चाय और टोस्टी अपने मेहमानों को सर्व करते हैं। और जब तक ये चाय और टोस्टी हम अपने मेहमानों को सर्व करते हैं तब तक मैं बताती हूँ, कल मैं लेकर आऊँगी आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम। इस तरह की आइसक्रीम ना तो आपने पहले कभी खाई होगी और ना ही इस तरीके से बनाई होगी। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।